बरेली के नवाबगंज में 40 साल की शादीशुदा महिला को अपने 20 साल के चचेरे देवर से प्रेम हो गया, जिसके बाद दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे गांव भर में होने लगे। बदनामी की वजह से प्रेमिका ने आग लगा ली। प्रेमिका को आग की लपटों से घिरा देख प्रेमियों से बचाने के लिए आग की लपटों में कूद गया, लेकिन आग काफी तेज थी, जिस वजह से दोनों की उसमें जलकर दर्दनाक मौत हो गई और इस तरह से एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों प्रेमी युगल अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों की जलकर मौत हो गई। नवाबगंज के सतुया खुर्द गांव के रहने वाले रामचंद्र की शादी 18 साल पहले राजेश्वरी से हुई थी। दोनों के 6 बच्चे हैं। रामचंद्र दिल्ली में नौकरी करता है, जबकि उसकी पत्नी गांव में ही रहती थी। राजेश्वरी का अपने पड़ोसी अनिल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजेश्वरी ने कुछ दिन पहले अपने प्रेमी पर रेप का मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन कोर्ट में वो मुकर गई। शुक्रवार रात राजेश्वरी ने अनिल को अपने घर बुलाया, लेकिन जब अनिल नहीं आया तो उसने खुद को आग लगा ली। प्रेमिका के घर से धुआं निकलता देख प्रेमी अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए उसके घर में कूद गया। इस दौरान दोनों बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही प्रेमिका की मौत हो गई, जबकि अनिल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल प्रेमी युगल की मौत से जहां महिला के 6 बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो वहीं एक पिता का जवान बेटा, जिसने उसकी शादी के सपने देखे थे, वो इस दुनिया में नहीं रहा। नवाबगंज से रियाज अहमद अंसारी की रिपोर्ट। नवाबगंज के सतसुईया गांव में एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी हॉस्पिटल लाते समय मृत्यु हो गई थी। क्या वजह? इसका प्रेम संबंध था एक युवक से, पड़ोसी युवक से। रिश्ते में इसके देवर लगते हैं। कल देवर ने इसे बचाने का प्रयास भी किया और वो भी जल गया था, 80% वो भी जल गया था, और आज उसकी भी मृत्यु हो गई है। वो आत्मघात किया है प्रेमी और प्रेमिका ने, क्या मामला है, किस तरीके से पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है? थाना नवाबगंज क्षेत्र में कल एक मामला प्रकाश में आया, जिसमें एक महिला के द्वारा अपने घर में आत्मदाह का मामला था। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ये पता चला कि महिला तथा उन्हीं के दूर के रिश्ते में लगने वाले एक व्यक्ति उसमें झुलसे हैं। महिला 98% जल चुकी थी और 80% वो पुरुष, जिनका नाम अनिल है, वो जल चुके थे। इनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। इसमें छानबीन में जो चीज़ प्रकाश में आई है, उसमें यह तथ्य सामने आ रहे हैं कि दोनों की पूर्व से संबंध थे। इस बीच में एक अभियोग भी पंजीकृत कराया गया था महिला के द्वारा, जिसके 164 के बयान में महिला द्वारा इन पे जो आरोप लगाए गए थे उससे इनकार किया गया। जो तहरीर महिला के पक्ष ने दी है उसमें पैसे के लेन देन की बात बताई जा रही है, परंतु जो अभी तक जांच में पता चला है कि दोनों के
संबंध थे और इस क्रम में जब महिला ने आग लगाई तो अनिल छप्पड़ के रास्ते उसको बचाने के लिए अंदर गया और जहां पे वो भी जला। अभी कुछ देर पहले अनिल की भी मृत्यु हो गई है। इसमें आगे की कार्रवाई प्रचलित है। ओमवती आपके बेटे, अच्छा आपके बेटे का नाम क्या था जो? अनिल। अनिल क्या काम करता था आंटी? लाइट को काम। अच्छा क्या हुआ था पूरा पूरी बात बताओ हमें, क्या हुआ सही था? बताइए बताइए। शुक्रवार दिन, हाँ शुक्रवार दिन आज भी हम आए हैं गौतर से, हम ही आटा मार रहे तो इनमें जो ही हुआ पर जाके हमारा लला खाए के लिकरो हो घर से बाहर को गो, और पीछू से गौ है गो हमारा लला, तई जा पीछू से मेरू आ गई भाज के मेरे लवड़ा का हुआ मारो जाए के जाना है। अच्छा हाँ तई जा मेरुआ मात तोड़ करके जब प्रधान किया बाजी गई, हमें कछु पता ही ना आये। अच्छा। तो उतर से लोग मजमा लगाए के आए रहे ये लोग उतर से, तो हमने जो कहा ही गो कही अरे प्रधान किया गई तुम्हारे मात धार रही गई है, तो लोगन ने जाके ही कि देखो तुम पर रुपया परंगे, लोगन ने जाके ही तुम पर रुपया परंगे, तो हमने कही रुपया परंगे, तो बोले रुपया देगो 20,000 परंगे, तो हमने कही ऐसो है सवेरे को पंचायत भई संजय पंचायत भई, सवेरे 11 बजे लोगन ने पोरा लगा दो मेरुआ के, वह उठी नवाबगंज चली गई, हुन जाके लोगन ने उसके दस्तखत ले ले अंगूठा ले लो और भीतर जाए कर रिपोर्ट ऐसी बनवाई कि हमारे पूत कत छुटते ही ना। दरोगा जी बोले मुन्ने रिपोर्ट देगी तो दरोगा जी जा बोले अब का इसको लड़के को मारिए डालोगे क्या, इसको जगह तो देवली करने की, तो दरोगा जी ने कुल तो काट देंगे बात है, और वहाँ में लिखवाइएगी जे बलात का जनक काका लिखवाओ, तीन धारा लगवाई मैं और कुछ ना पता। अच्छा अच्छा ये इसकी जो मौत कैसे हुई थी ये बताइए पूरी बात, जो लड़का जो आपका हुआ। हट जाओ। हाँ हम तो सोए रहे हैं, जान जाने पता ना कि कियानी ही हमें बचा लियो, तो जो बचाओ न गो हुकुम। अच्छा तो पता ना भैया उन्होंने नीचे खींच लो या कावो खपटा तोड़ के लिकारो। अच्छा बचाओ न गो, ये बचाने के लिए गया था। हाँ लला मारो बचाओ न गो। अच्छा बचाने के लिए गया फिर उसको वहीं पर दबा लिया गया, ऐसा कुछ मानना है? क्या हुआ कौरिया भल्ले ही बाल है, कौरिया भल्ले बचाओ गो तो जाने कौरिया भल्ले ही मेरी बाल है। फिर इसके भी फिर इसके भी आग लग गई। हाँ फिर इसके भी लग गई आग। अच्छा कितनी उम्र थी लड़के की? हमारे लल्ले हो गए 22 साल हो गए। हाँ 22 साल लगी है। 22 साल हो।